हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। मैंने इस पेंटिंग के फर्स्ट वाले पार्ट में फेस का जो डिटेलिंग है उसको कंप्लीट किया था। आप सेकेंड वाले पार्ट में बारी आती है बाकी सब चीज़ों को, तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड से स्टार्ट कर दिया है। मैं यहाँ पर पेस्टल कलर को अप्लाई करूँगी और उसके बाद फिंगर की मदद से ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंड हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने पेंसिल से डिटेलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो जिन सभी लोगों ने इस वाली पेंटिंग को फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लिंक को कमेंट में पिन करके रखा है, तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। अब मैं यहाँ पर जो जो डार्क कलर एरिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आउटलाइन कर लूँगी। मैंने यहाँ पर सिंपल ब्लैक कलर से आउटलाइन कर लिया है और उसके बाद डिटेल के लिए मैंने यहाँ पर ब्राउन, ग्रे और येलो कलर की मदद से डिटेलिंग ऐड किया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे किया। इस काटे वाले जगह पर बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन हैं, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर पेंसिल कलर का ही यूज़ किया है। बहुत ही कम जगहों पर और कुछ कुछ जगहों पर ही मैंने पेस्टल को यहाँ पर ब्लेंड किया है। मैंने यहाँ पर कांटों को जो ब्लैक कलर है उससे मैंने ड्रॉ कर लिया था और जहाँ पर भी लाइट कलर है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पेंट कर दूँगी। और इस कांटों के ऊपर थोड़ी सी लाइट है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक कलर से लाइट पार्ट को इन्हेंस करूँगी। तो आप लोग तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कैसे लाइट और डार्क की मदद से इस जगह को कंप्लीट कर दिया है। तो चलो आप बारी आती है बालों की। बालों के लिए मैंने पहले से ही एक ब्राउन शेड की वाटर कलर अप्लाई करके रखा था, उसके ऊपर मैं यहाँ पर टोम्स का जो पेस्टल कलर है उसको मैं अप्लाई कर दूँगी और उसके बाद मैं फिंगर की मदद से स्मच कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर बालों की डिटेलिंग के लिए डोम्स का ब्रास पेंट का यूज़ कर रहा हूँ और उसको अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर फिंगर की मदद से स्मच कर रही हूँ। डार्क कलर को अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्टल कलर से शेडिंग करना चालू कर दिया है। तो चलो सेम प्रोसेस अप्लाई करके जो दूसरी साइड का बाल है उसको भी मैं कलर कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर फेस के नीचे की तरफ एक डार्क सी शैडो है, उसको क्रिएट करने के लिए मैंने ब्राउन कलर की जो पेस्टल है उसको अप्लाई कर दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लू कलर को पेस्टल है उसको भी मैंने अप्लाई किया है और इन दोनों को स्मच कर दूंगी। उसके बाद जहाँ पर भी लाइट एरिया है और डार्क एरिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने कलर अप्लाई कर दूंगी। तो चलो, मेरा तो ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वाला पेंटिंग तो मुझे ज़रूर ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।